चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। कड़कड़ाती ठंड में राहुल के सिर्फ टी शर्ट पहनने पर उन्हें महामानव बता दिया। इसके बाद सियासी पारा चढ़ना ही था। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं, तो पार्टी के बयान बहादुर परेशानी खड़ी करने में। सलमान खुर्शीद को ही देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए इतने इमोशनल हो गए कि राहुल गांधी को राम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरत बता दिया। तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। पहले भी अपने बयानों से कांग्रेस की किरकिरी कराने वाले सलमान खुर्शीद मुरादाबाद में मीडिया के सामने थे। सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए ही क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि खड़ाऊ आ गई है तो राम यानी राहुल भी आ जाएंगे। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। बयान आने की देर थी कि बीजेपी और संत समाज ने चौतरफा हमला बोल दिया। किसी ने कांग्रेस के कर्म गिनाए तो किसी ने सलमान खुर्शीद के बयान को हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। वो नेता जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो कहते थे भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, कहानियां हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो दोबारा बनाएंगे। शुक्र है उन नेता को श्री राम की याद तो आई। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, सर मानी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। क्या इस प्रकार से राम भक्तों के, जो राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, और खुर्शीद को यही कहना चाहिए कि हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो अल्लाह खुदा हैं, वह स्वयं वर्तमान समय में राहुल गांधी हैं, और हमारी जो हमारा जो इस्लाम धर्म है वो हमारी पार्टी जो कांग्रेस है वो है। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी, उसके बाद बागपत और शामली होते हुए हरियाणा में एंट्री कर जाएगी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की तुलना राम से कर सलमान खुर्शीद ने सियासी पारा तो चढ़ा ही दिया। कांग्रेस के महापरिक्रमावादी, चाहे वो खड़गे साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, उन्हें केवल गांधी नेहरू परिवार ही दिखता है, उनका महामंडित ही दिखता है। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सलमान खुर्शीद इस यात्रा में राहुल गांधी की ऊर्जा और कड़कड़ाती ठंड में भी टी शर्ट पहनकर चलने की क्षमता का गुणगान करते करते उन्हें महामानव बता गए। यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है, और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली, ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं, बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह दिया मैं तपस्या में हूँ तो वो तपस्या कर रहे हैं। दिसंबर की सर्दी में राहुल का सिर्फ टी शर्ट पहनना सलमान खुर्शीद को किसी योगी या तपस्वी की तरह लगता है, लेकिन बीजेपी का सवाल है कि यात्रा में शामिल कार्यकर्ता भी जैकेट या ऊनी कपड़े क्यों नहीं उतार देते। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी, ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती, इनको भी उनकी तरह कपड़े नहीं उतार के घूमता। ये तो वही बताइए, वो क्या लेते हैं, ऐसा क्या लेते हैं, और सबको बताना चाहिए और बांटना भी चाहिए वो प्रसाद, कौन सा प्रसाद है जिसके कारण ठंड नहीं लगती है। अपनी मम्मी माँ को भी बताना चाहिए, अपनी बहन को भी बताना चाहिए, इतने सारे कपड़ों पैसा खर्च क्यों करते हैं वो।
दिल्ली में एंट्री के बाद भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। पहले राहुल के अटल जी की समाधि पर जाने से माहौल गरमाया, अब राहुल की तुलना भगवान राम से कर सलमान खुर्शीद ने सियासी तकरार का मुद्दा दे दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।